So hello guys, what's up? Kaise ho? I'm Tamoghna Ghosh. I'm currently doing my MBBS at AIIMS New Delhi and this is the next video in my channel. तो ये वीडियो मैं अभी रात को 3 बजे शूट कर रहा हूँ इन माई आई पैड, मतलब पूरा टाइम में पढ़ रहा था तो अभी काफ़ी थक गया हूँ एज यू कैन सी फ्रॉम माई फेस। तो अभी सोचा कि ये वीडियो बना ही देता हूँ। तो तुम लोग यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सारे टॉपर्स के स्ट्रेटजीज देखे हो, मतलब देर इंटरव्यूज यू हैव सीन जहाँ पे दे हैव टॉक कि व्हाट दे रियली डिड फॉर द एग्जाम। और तुम लोग मुझे अक्सर पूछते रहते हो कि मैं खुद क्या किया था सो एज टू गेन अ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। सो आई एम नॉट श्योर कि तुम लोग का कितना मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलेगा, बट आई एम शेयरिंग यू द ट्रूथ, मतलब एब्सोल्यूटली द ट्रूथ व्हाट आई डिड। मतलब मैं पहले एक वीडियो एक्चुअली अपलोड किया भी था रिगार्डिंग माई रूटीन, तो वो जो रूटीन वाला वीडियो अपलोड किया था, मतलब दैट वॉज मतलब नॉट रियली माई रूटीन, मतलब वो मैं अपलोड किया था कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉच माई वीडियो, मतलब तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं पर्सनली उतना ज़्यादा कुछ पढ़ाई किया नहीं था। तो दोज ऑफ यू डोंट नो मी, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 3rd इन एम्स एंट्रेंस एग्जाम इन 2017 और नीट में मेरा रैंक आया था 34 और स्कोर था 680 आउट ऑफ 720। तो अभी मैं एम्स दिल्ली स्टूडेंट हूँ। तो मैं बस 6 महीने पढ़ाई किया था फॉर द मेडिकल एंट्रेंसेस। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं क्या किया था, मैं एम्स का प्रीवियस 20 ईयर्स पेपर लगाया था, मैं नीट का प्रीवियस 30 ईयर्स पेपर लगाया था, ठीक है सारे, ठीक है। और मैं कुछ मतलब मेरे वो पुराने वाले जो लैपटॉप था, मतलब तब मैं जो लैपटॉप यूज़ करता था उसमें आई हैड अराउंड 1000 गुड क्वेश्चंस जो मेरे टीचर्स ने दिए थे, तो वो मैं किया था एंड प्रिटी मच दैट्स इट। और मैं कुछ भी नहीं किया था, लिटरली मैं और कुछ भी नहीं किया था। बट क्या तुम भी अगर यही करके जाओगे तो तुम्हारा एम्स सिलेक्शन हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, क्योंकि मेरा तुम्हारा सिचुएशन डिफरेंट है। जैसे मुझे आता था चीज़ें सारे, ठीक है, क्योंकि मैं पहले IIT में निकाला था इसलिए मुझे चीज़ें आता था, बट द सिचुएशन में भी डिफरेंट फॉर यू, राइट। तो यही देखो एक चीज़ है कि तुम यूट्यूब में किसी का वीडियो सुनते हो, कोई भी टॉपर, मतलब अभी तो यूट्यूब में बहुत सारे लोग मैं देख रहा था वीडियोस डाल रहे हैं विच इज़ रियली गुड। तो वो लोग जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, लाइक मोल्ड इट इन द वे विच विल फेवर योर सिचुएशन, ठीक है। सबका अपना अपना सिचुएशन होता है, अलग अलग यूनिक वेज होता है, ठीक है। तो जैसे मतलब नॉर्मली कोई क्या एडवाइस करेगा कि अभी प्रिपरेशन के टाइम फेसबुक यूज़ मत करो, व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ मत करो, है ना, इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ मत करो, बट मेरे लिए उल्टा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए उल्टा था। क्योंकि एम्स के पहले वही टाइम था जब मैं फेसबुक इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा चलाता था, ठीक है, इसलिए क्योंकि तब मैं काफ़ी लोनलीनेस था, क्योंकि एक तो मतलब दैट वाज काइंड ऑफ अ ड्रॉप ईयर, तो उस टाइम ज़्यादा लोगों से बात फात नहीं करता था इन रियल लाइफ, तो दैट्स वाई आई यूज फेसबुक अ लॉट। उसके बाद कॉलेज आके तो धीरे धीरे कम हो गया और अभी तो मेरा अकाउंट भी नहीं है फेसबुक इंस्टाग्राम, कोई अकाउंट भी नहीं है, तो लाइक अभी तो लाइफ डिफरेंट है, बट तब लाइफ वॉज डिफरेंट। तो तब फेसबुक में बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, क्वेश्चन भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस प्रीवियस ईयर्स लगे और मेरा कुछ हज़ार मतलब अच्छे क्वेश्चन मेरे लैपटॉप में था, तो वो क्वेश्चन मेरे से अभी मांगना मत क्योंकि मेरे पास खुद के पास है नहीं, वो लैपटॉप मतलब गया है, मतलब वो लैपटॉप ही काम नहीं करता और आई डोंट यूज़ दैट लैपटॉप, तब मैं कुछ बैकअप लेके भी नहीं रखा था, सो आई डोंट हैव देम, सो डोंट आस्क फॉर इट, मिलेगा भी नहीं, मतलब मैं दे भी नहीं सकता, दैट्स द पॉइंट। एनीवेज तो बस मैं यही करके गया था और मुझे सारा चीज़ आता था। जैसे एम्स एग्जाम में भी मुझे अभी साफ साफ याद है कि आई अटेम्प्टेड 196 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन होते थे, मैं 196 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। 3 फिजिक्स का था मैं छोड़ा था और 1 GK का मैं छोड़ा था, और 3 फिजिक्स का जो मैं छोड़ा था वो ऐसा नहीं था कि वो क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि वो 3 क्वेश्चन गलत था, ठीक है, मतलब मेरा जो आंसर आया था और जो ऑप्शन थे नन ऑफ द ऑप्शन मैच, तो दैट्स वाई डिडंट टिक। और मेरा फिजिक्स में बाय द वे ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आया था, तो मतलब देखो मेरा सिचुएशन डिफरेंट था, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर्स। किसी और का आप एग्जाम्पल उठाओगे, सम ऑफ द मे बी वेरी हार्ड वर्किंग, ऐसे भी लोग हो सकता है जो दिन में 16 घंटा 17 घंटा पढ़ के एम्स दिल्ली निकाला हो, मेरे जैसे भी लोग हैं जो बहुत कम पढ़ के निकाले हैं, बट एवरी वन ऑफ अस हैव अ डिफरेंट सिचुएशन। तो यार इस वीडियो के थ्रू मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डोंट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली, जो आपको इंटरनेट में एडवाइस वगैरह टिप्स स्ट्रेटजीज मिल रहा है उसको सुनो,
but mold it in the way that suits your situation the best, and no one understands your situation the best other than you. ठीक है, तो तुम खुद अपने सिचुएशन को सबसे अच्छे से समझते हो तो उसी के अकॉर्डिंग कर लिया करो. दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो, और कुछ नहीं था. और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी काफ़ी सारे वीडियोस डाल दूँगा. और लाइक कर देना यार, अच्छा लगेगा, और शेयर भी कर देना. तो चलो मिलते हैं, अभी मैं भी सोने जा रहा हूँ. बाय, सी यू.